पॉडकास्ट एंड देखो आगे कौन बैठा है। विधि 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 कहाँ जा रहे हो? दादी घर जा रहे हैं हम। Hey guys, welcome back to another vlog of Himachali Rovers. तो जी टाइम मैं आपको दिखा दूं, अभी रात के बज रहे हैं, सॉरी सुबह के 3 हो रहे हैं। तो उठने का रीजन यही है कि हम जा रहे हैं हिमाचल, एंड फिर से वही जब हिमाचल जाते हैं तो मेरा ब्लॉग मोड ऑन हो जाता है, जब इधर रहते हैं तो पूरा मोड ऑफ हो जाता है। एंड दीक्षा ने देखो फेसियल लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? क्योंकि हम तो क्यों जा रहे हैं वो आपको बताएंगे हम सुबह जब निकलेंगे। तकरीबन अभी 2 घंटे के अंदर हमें निकलना है, पैकिंग हमारी हो गई है, विदिशा सो रखी है, 4 निकलना है क्या? चलो फिर थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सामान करना है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर हम निकलते हैं हिमाचल। एंड रहेगा तो होम टूर, वो आपको थोड़े दिन बाद हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आके थके हुए थे ऑफिस का काम, फिर अभी हिमाचल जाना है, उसके बाद फ्री होके बिंदास होके आपको होम टूर जाएंगे। तो यह जी फाइनली हो चुके हैं, एंड हमने सोचा था कि हम निकलेंगे 4 बजे, देखते देखते 5 बज चुके हैं। अम्मू रेडी है, दीक्षा रेडी है, एंड हमारी बीदू भी रेडी है, तो चलो चलते हैं। अभी तैयारी हो गई है और ये हमारी गुड़िया रानी। तो जी फाइनली हम निकल चुके हैं घर के लिए, एंड वो कर दिया हमने बाय, और अभी बज रहे हैं 5:35। तो तकरीबन हमें 6 बजे तक हम छः तो अभी बज गए यार, सॉरी 11 बजे तक हम कोशिश करेंगे कि हम घर में पहुँच जाएँ, एंड वो हमारा चलाएगा गाड़ी, क्योंकि भाई ये तो अभी सो के उठ चुका है, और ना मैं सोया ढंग से, ना दीक्षा सोई है, और हमारी विधि तो मस्त सो रखी है। तो चलो फिर निकलते हैं घर और मिलते हैं आपको रास्ते में। फाइनली हम हिमाचल हो गए एंटर, यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा हो गया है चालू, और जैसे कि अब धीरे धीरे सर्दियाँ आ रही हैं तो क्या ही ब्यूटी निकल के आ रही है हिमाचल की। हमारे अम्मू जी ड्राइवर जी ने तकरीबन 100 किलोमीटर चला दिया, और मैं तो था जी नींद में, खतरनाक ही नींद आ रही है। सो विदु भी उठ गई है, सो अभी तो सो रही है, उठ रही है, बाकी बढ़िया। अम्मू सिंगल वे चला हुआ यार, रहने देना, मैं दूसरा बंद रखा हुआ। तो ये टनल हो गई हमारी चालू, तो ये हमारी विदु जी तो सो के उठी के वापिस हो गई, खेली खेली की उसके बाद। अच्छा, वो तो ठीक है, नींद पूरी हुई है। सुबह के 8 बजने वाले हैं और भूख लग पड़ी है, सही में घर से कुछ खाने को लाना चाहिए था मेरे हिसाब से यार। तो जी अब सिक्का फेंकना पड़ेगा, मैडम ने बोला जय हो कि कभी भी बेबी अगर जाता है फर्स्ट टाइम किसी नदी से क्रॉस करता है तो उसमें सिक्का डालना पड़ता है, पता नहीं जब भी जाओ। अरे हमारे पेरेंट्स मैंने बड़े डाले हैं, हाँ बहुत ज्यादा ना, गाली गंगा। ये जी आ गई है हमारी तीसरी टनल, हर हर महादेव। विधि की हो रही है अंदर मसाज, और ये है सुबह का नजारा हाईवे से, और अब बज रहे हैं 8:15। जबरदस्त धूप आ रही है और मजा आ गया यार, क्या पहाड़ों की धूप है ना, अलग ही मजा आता है। तो पता नहीं दीक्षा को अभी कितना टाइम लगेगा,
और थोड़ा भूख भी लग पड़ी है, कुछ खाएंगे पिएंगे भी हैं। 5 मिनट तो जी फाइनली विदु दिखाओ विदु, ये विदु को लग रही है धूप। विदु बाय, चलो 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 चलते हैं घर की तरफ। जी फाइनली काफ़ी भयंकर नींद करने के बाद मैंने अपना स्टीयरिंग पकड़ लिया गाड़ी का और अम्मू को दे दिया रेस्ट। एंड देखो आगे कौन बैठा है। विधि कहाँ जा रहे हो? दादी घर जा रहे हैं हम। जा रहे हो? ये आसमान पेड़ देख के इतनी खुश हो रही है, बेचारे रूम का फैन ही देखती रहती थी रोज, उसको देख के खुश होती थी। विधि देख और भी कुछ है दुनिया में, देख अभी देखेगी ये बड़ी हो रही है अभी। हमारी दीक्षा जी, दीक्षा ठीक है? नींद आ रही है। तो चलो हम जस्ट अभी 30 किलोमीटर रह गया घर, हार्डली एक डेढ़ घंटे में घर पहुंच जाएंगे हम। 1 hour later तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, पहुंचने ही वाले हैं, ज्यादा दूर नहीं रहा है। वो ड्राइवर फिर से अम्मू आ गया है। वो देखो हमारी गाड़ी चल रही है भाई, तुम सो जा रहे हो? जी सो रखी है अपनी कार सीट में। अब हवाई जहाज चलाएंगे हम। एंड यार देखो पता नहीं यार, एक बार मेरे को कुछ बदबकी काट गई थी तो अभी तक उसका निशान है और निशान मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है यार, ये दिक्कत वाला काम। चलो फिर चलते हैं घर। एंड रास्ता देखो क्या ही तबाही है यार, हिमाचल में आके अलग ही मजा आया था। जंगल, हरियाली, साफ हवा, खुशबू, ना ज्यादा शोर। सो जी फाइनली देखो क्या मस्त लोकेशन, क्या मस्त रोड और क्या ही मस्त पेड़ है यार। देखो जरा कैसे कैसे घास, देखो पहले के टाइम पे लोग ये काट लेते थे क्योंकि लोगों के पास होते थे गाय, बच्चू, भैंस, बकरियां, और आजकल देखो होते ही नहीं है। देखो घास कैसे लटक रहे हैं, कोई काटता ही नहीं है अब इनको। तो जी बिदु हमारी देखो बैठ गई है और हम जा रहे हैं दादी के पास। वाओ, हम अपने घर पहुंच गए थे शाम को। एंड जो शाम को थोड़ा सा फंक्शन में गए थे तो इतनी आके इतनी नींद आई पता नहीं लगा कब सो गए। तो फाइनली जी हमारा गेटअप हो गया रेडी, हमें जाना है एक, जैसे आपको पता है कि मेरे चाचा के लड़के की शादी है। एंड ये रहा वो घर नीचे। तो अभी एक रिचुअल है इनका, होता है कि मतलब जैसे लड़के घर जाते हैं तो वो अभी इसी की तैयारी पे हैं, हिमाचली टोपी डाल ली है, कपड़े डाल लिए हैं। तो चलो फिर चलते हैं नीचे, अभी पूजा कर रहे हैं। हमें गुड मॉर्निंग, चलो करने देते हैं मम्मी को पूजा। गुड मॉर्निंग। सो ये हमारी गुपली जी सो रखी है, तो चलो फिर चलते हैं। तो जी हम हो गए थे रेडी। सो जैसे हिमाचल कल्चर के अकॉर्डिंग जो लड़के जो दूल्हे के भाई होते हैं वो समूद लेके जाते हैं लड़की के घर, तो हम उसी की जाने की तैयारी में लगे हुए थे।